हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्लास सेवन्थ चैप्टर सेकंड का पार्ट ई। ठीक है ना, डीएवी पीपीएस क्लास सेवन्थ साइंस चैप्टर सेकंड पार्ट ई। क्वेश्चन फर्स्ट में डायग्राम पूछा बेटा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसका ई पार्ट का, उसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, सिंपल डायग्राम पूछा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन उसको रीड कर लेते हैं। ड्रा ए नीट वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये डायग्राम आपकी जो साइंस की बुक है डीएवी पीपीएस की साइंस की बुक जो है सेवन्थ क्लास की, उसके उसमें चैप्टर नंबर सेकंड के पेज नंबर 17 पे आपको दे रखा है बेटा। ठीक है, पेज नंबर 17 पे दे रखा है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डायग्राम आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ड्रॉ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रो इज एन ओमनीवो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला आपको, दो स्टेटमेंट दे रखी है, ए और बी पार्ट दे रखा है क्वेश्चन सेकंड का, उन स्टेटमेंट का आपको रीजन देना है। ठीक है, उनको यह जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या बोला, क्रो इज एन ओमनीवोर। ठीक है, कि क्रो जो होता है, कौवा जो होता है, उसको आप ओमनीवोर क्यों बोलते हो या ओमनीवोर क्यों होता है। ठीक है, तो ओमनीवोर एनिमल्स क्या होते हैं, ओमनीवोर बर्ड्स या एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, वो बर्ड्स या वो एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, घास फूस या सब्जियां फ्रूट वगैरह खाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ किसी दूसरे एनिमल की का मीट वगैरह या डेड बॉडी को भी खाते हैं, उस उन एनिमल्स को, उन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओमनीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कौवा जो होता है, क्रो जो होता है, वो दोनों चीज़ें खाता है। ठीक है, रोटी खाता है या फल फ्रूट भी खाता है, और जो दूसरे मरे हुए जानवर है उनका फ्लैश या मीट भी खाता है ना। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, ओमनीवोर बोलते हैं। ठीक है, देखो, क्रो ईट्स बोथ प्लांट एंड फ्लैश मीट ऑफ अदर एनिमल्स, सच एनिमल्स और बर्ड्स हु ईट बोथ एनिमल एंड प्लांट मटीरियल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, हैंस क्रो इज एन ओमनीवोर। क्रो को भी हम क्या बोलेंगे बेटा, ओमनीवोर बोलेंगे। ठीक है, बी पार्ट इसका, इट इज सेड टू दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा इज क्वाइट सिमिलर। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि जो इंसान है और अमीबा जो है, उन दोनों का खाना लेने का तरीका जो है बेटा, सेम सेम होता है, सेम सेम दिखता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जो अमीबा होता है वो क्या करता है कि जो खाना पड़ा है, पहले उस खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेगा। ठीक है, इंजेशन का बोलते हैं उसको हम, अपनी बॉडी के अंदर लेगा, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। ठीक है, यही सेम प्रोसेस क्या होता है बेटा, ह्यूमंस में होता है। ह्यूमन क्या करते हैं, आपका जो खाना होता है लिक्विड फॉर्म में होता है या सॉलिड फॉर्म में होता है ना, रोटी जो होती है उसको आप खाते हो। ठीक है, पहले बॉडी के अंदर लेके जाते हो ना, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, न्यूट्रिशन मिलता है, वही सेम प्रोसेस क्या होता है, अमीबा करता है। ठीक है, इसलिए क्या, दोनों का प्रोसेस कैसे है बेटा, सेम सेम है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आपका सिमिलर है, सेम सेम है, और उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, तो आंसर में क्या आएगा, अमीबा टेक्स फूड इन टू द बॉडी एंड देन डाइजेस्ट इट, दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाई ह्यूमेंस ऑल्सो। ठीक है, हैंस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन इज सिमिलर, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देख लो, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, दो स्टेटमेंट दे रखी है, तीन स्टेटमेंट दे रखी है, उनका रीजन देना आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है, इंजेशन ऑफ फूड इज डिफिकल्ट विदाउट टीथ। ठीक है, इंजेशन क्या होता है बेटा, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेना, माउथ के अंदर लेना, उसको फिर फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में लेके जाना, उसको आप बोलते हो इंजेशन बोलते हो। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है कि इंजेशन जो होता है वो दांतों के बिना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है, ऐसा क्यों होता है, ये आपका रीज़न देना है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो आप खाना खाते हो, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं ना चावल रोटी वगैरह। ठीक है, तो वो जो फूड पार्टिकल्स होता है या जो फूड होता है वो क्या होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में, उस फॉर्म में उस खाने को हम अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेके नहीं जा सकते, मतलब उसको स्टोमक तक पहुंचा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है। ठीक है, अगर उसको आप डायरेक्ट स्वेलो करोगे, निकलोगे ना, तो वो क्या होगा, आपका फूड पाइप में अटक जाएगा, फंस जाएगा। ठीक है, आपको उसको अटकने में बहुत दिक्कत होगी, उसके साथ क्या होता है बेटा, उसको स्टोमक के अंदर डाइजेस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, पहले सिंपल सब्सटेंस में या सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है, और ये काम कौन करता है, आपके दांत करते हैं, टीथ करते हैं। ठीक है, तो टीथ हैं वो क्या करेंगे, आपके जो खाना है उस खाने को बेटा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्या होगा, आपकी सलाइवा जो होती है माउथ में, वो उस पर मिक्स होगी, उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तभी वो आपके फूड पाइप से होता हुआ आपके स्टोमक में जाएगा। ठीक है ना, तो दांत नहीं होगा तो इसके दांतों के बिना क्या होगा, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं होगा, टुकड़ों में टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इंजेक्शन करना क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यही आपको वर्डिंग में लिखना है। देखो क्या लिखेंगे आप, फॉर इंजेशन ऑफ फूड नीड्स टू बी ब्रोकन
डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। इंजेक्शन के लिए खाने को हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दिस वर्क इज़ डन बाय टीथ, और ये फंक्शन कौन करता है, आपके दांत करते हैं। अगर दांत नहीं होंगे, इफ़ टीथ इज़ नॉट प्रेजेंट, इंजेक्शन ऑफ फूड विल बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अगर दांत नहीं होंगे तो इनका इंजेक्शन क्या होगा बेटा, खाने का इंजेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बी देखो, इफ़ वी च्यू राइस और ब्रेड फॉर ए फ्यू मिनट इट स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट, ठीक है। इसमें क्या पूछा है बेटा, क्या बोला हुआ है कि हम जो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, ठीक है, अगर हम उसको थोड़ी देर तक चबाते रहते हैं उसको अपने माउथ में, तो थोड़ी देर में बाद वो हमें, कुछ मिनटों बाद वो हमें मीठा मीठा लगना फील हो जाता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आप राइस खाते हो या आप ब्रेड खाते हो मान लो, ठीक है, तो ब्रेड आपको स्वीट नहीं लगता, थोड़ा सा फीका लगता है या थोड़ा सा खट्टा लगता है खाने में। तो जैसे ही आप उसको दो मिनट तीन मिनट तक आप उसको बार बार चबाते रहते हो उसी को अपने माउथ में बार बार, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको मीठा लगना स्टार्ट हो जाता है, उसमें स्वीटनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ से आती है, आपको इसका रीज़न पूछा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, आपके जो माउथ होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो स्लाइवर प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवर छोड़ते हैं, लार जिसको आप बोलते हो, ठीक है। अगर जो खाना है उसको आप बार बार चबा रहे हो तो लार क्या करती है, उस खाने में मिक्स हो जाती है, ठीक है। और उसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स जूस होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके खाने में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को धीरे धीरे शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और शुगर क्या होती है, आपकी मीठी होती है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके माउथ में स्वीटनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन आवर सलाइवा ब्रेक डाउन स्टार्च ऑफ फूड एंड फॉर्म शुगर, ड्यू टू दिस फूड स्टार्ट्स टेस्टिंग स्वीट आफ्टर च्यूइंग इट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द कैल्शियम ऑफ रूमिनेंट्स, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है बेटा, जो आपका रूमिनेंट्स होते हैं, गाय और भैंस जो होते हैं ना, जो खाने को एक बार गिटक के उसको बार दोबारा मुँह में लेके आते हैं, दोबारा चबाते हैं उसको ना, उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को, काव हो गए, बफेला हो गए, ठीक है। तो उनका जो स्टोमक होता है ना, स्टोमक के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपका झोला होता है ना, बैग होता है, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसने क्या पूछा, उस कैल्शियम में बैक्टीरिया होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, तो पूछा कि वो बैक्टीरिया क्यों होते हैं वहाँ पे कैल्शियम में, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, जो प्लांट्स जो खाना खाते हैं ना, सॉरी, जो रूमिनेंट्स जो खाना खाते हैं ना एनिमल्स, उसमें प्लांट प्रोडक्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा सेलुलोस होता है, ठीक है। और सेलुलोस जो होता है वो कम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो उस उनकी डाइजेशन में हेल्प कौन करता है बेटा, बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं, उसको खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं एनिमल्स की, रूमिनेंट्स की, ठीक है। और वो बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, कैल्शियम में, ठीक है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है बेटा, वो जो खाने में सेलुलोस है ना प्लांट प्रोडक्ट में, उनके खाने में, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने में हेल्प करते हैं, ताकि वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ये फंक्शन होता है बैक्टीरिया का जो कैल्शियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कैल्शियम ऑफ रूमिनेंट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोस ऑफ द फूड, ठीक है। खाने में जो सेलुलोस कंटेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया, ये फंक्शन होता है उनका बैक्टीरिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखो क्या पूछा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टेड फूड गेट अब्जॉर्व इनटू द ब्लड, ठीक है, कि आपका जो खाना है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना आपके ब्लड में मिक्स होके पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो आपसे पूछा, पूरे प्रोसेस पूछिए कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपका खाना जो डाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है, ठीक है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, छोटी आंत की दीवारें जो हैं, वाल्स जो होती हैं बेटा, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ऐसे जैसे आपकी उंगली होती है ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेटा विली, क्या बोलते हैं इनको, VILLI विली बोलते हैं, ठीक है। और जो विली की जो दीवारें होती हैं उसमें क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स होती है पतली पतली, उनमें ब्लड होता है, ठीक है। तो जैसे ही खाना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो जो विलीज होती हैं वो क्या होती है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, ताकि खाने का डाइजेशन आसानी से हो पाए, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो विली क्या करेंगे, धीरे धीरे उस खाने को अब्जॉर्व करेगी, वो खाना कहाँ गया, विली के अंदर एंटर कर गया, इनके अंदर एंटर कर गया, ठीक है, ऐसे एंटर कर, यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें, इनमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं ये पतली पतली, ठीक है, और उसमें क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो वो कौन खाना खा गया, इन विलीज में डिफ्यूज हो गया, अंदर चला गया, और वहाँ क्या है, ब्लड वेसल्स, वो खाना क्या होगा, उस ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वहाँ से क्या करेगा, ब्लड उनको अपने अंदर मिक्स करेगा, और ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी के अंदर बार बार सर्कुलेट होता रहता है, तो वो ब्लड उस खाने को अपने अंदर मिक्स करेगा और पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देगा, यहाँ से वहाँ उसको पहुँचा देगा, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, वो देख लो,
द डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, खाने का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं उन पर उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, ठीक है। दे ऑब्जर्व डाइजेस्टेड फूड एंड पासिस इट टू द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इनसाइड देम, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस खाने को ऑब्जर्व करती है जो फूड डाइजेस्ट हो गया, और क्या करती है, इसको ब्लड वेसल्स के अंदर पास करती है जो उनके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो खाना होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। दस द फूड गेट मिक्स इन टू द ब्लड एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, खाना ब्लड में मिक्स हो गया और वो आपकी सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट इन वन और टू सेंटेंसेज ईच द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं जैसे काउ बफेलो जो होते हैं ना, उनमें जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन लेने की या खाने को डाइजेस्ट करने की, उनमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, आपको वो सारे स्टेप्स के बारे में बताना है वन और टू लाइन्स में, हर स्टेप को वन और टू लाइन में डिफाइन करना है आपको, ठीक है। तो आपको हम तो क्या होता है बेटा कि रूमिनेंट्स जो होते हैं जैसे काउ बफेलो जो होते हैं, उनका जो स्टोमक होता है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर चैम्बर्ड स्टोमक मतलब चार पार्ट्स में डिवाइड होता है उनका पेट, ठीक है। अब क्या ये ऐसा क्यों होता, ताकि उनका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है ना। जो वो खाना खाते हैं ना, प्लांट के पत्ते वगैरह हो गए, ठीक है, या घास फूस खाते हैं, ठीक है, उनमें सेलुलोस बहुत ज़्यादा होता है और वो क्या होता है, बहुत ही कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उसको डाइजेशन करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस लगती है, इसलिए उनका स्टोमक होता है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में खाने को एकदम से बहुत सारे खाने को वो खाते हैं, डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, घटकते हैं, ठीक है। वहाँ से जाता है उनका खाना बेटा स्टोमक के फर्स्ट हिस्से में जाता है, ठीक है, उस हिस्से में वो खाना इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो धीरे धीरे उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, थोड़ा थोड़ा वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उस खाने को हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं, जो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, एनिमल जब फ्री बैठे होते हैं, उस खाने को पेट से वापस मुंह के अंदर लेके आते हैं, उसको फिर आराम से चबाते हैं, च्यू करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस खाने को हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं, ठीक है ना। जो खाना क्या होता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया था, जिसको वो वापस मुंह के अंदर ले आए, उस खाने को हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रूमिनेशन में क्या होता है, वो अच्छे से उसको चबाते हैं, ठीक है। तो जो सेलुलोस कंटेंट होता है वो सारा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो सिंपल प्रोडक्ट में टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो खाने को कहाँ लेके जाते हैं बेटा, जो स्टोमक होता है उसके अंदर से होता है, वो कहाँ जाता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से वहाँ से कहाँ जाता है, फिर आगे वो जो बैग लग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैजियम बोलते हैं, उसमें जाता है, ठीक है। कैजियम में थोड़ी देर, कैजियम में क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पे खाना थोड़ी देर रुकता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो खाना थोड़ा बहुत जो बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको पूरा पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इनकी डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, पूरी हो जाती है, और उनसे उनको एनिमल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लो आप, राइटिंग कैसे करनी है इसकी। एनिमल्स रूमिनेंट हैव फोर चैम्बर्ड स्टोमक विच हेल्प देम इन डाइजेशन, दे फर्स्ट ईट फूड एंड स्टोर इट इन द स्टोमक। फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट क्या लिखोगे बेटा आप, कड क्या होता है वो बताओगे आप, ठीक है। एनिमल स्टोर फूड इन स्टोमक विच गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड, देन दे ब्रिंग इट बैक इन टू माउथ, दिस फूड इज कॉल्ड कड, ठीक है। खाने को स्टोर कर लेते हैं, उस खाने को फिर वो वापस मुंह के अंदर लेके आते हैं, उस खाने को हम कड बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड, रूमिनेशन क्या होता है, ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग बैक पार्सली डाइजेस्टेड फूड इन टू द माउथ इज कॉल्ड रूमिनेशन, ठीक है। इस खाने को वापस मुंह के अंदर लेके आने की प्रोसेस होती है, उसको हम रूमिनेशन बोलते हैं। रूमिनेशन प्रोसेस ब्रेक डाउन द सेलुलोस कंटेंट ऑफ द प्लांट मटेरियल सो दैट डाइजेशन बिकम ईजी। इसको क्या, रूमिनेशन में क्या होता है बेटा, उसके बाद उसको खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, उससे खाना क्या होता है, आसानी से टूटता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कैजियम, इट इज़ ए बैग लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, फूड आफ्टर रूमिनेशन गेट ट्रांसफर्ड इन टू बैग लाइक बैग एंड बैक्टीरिया इन इट डाइजेस्ट फूड कम्प्लीटली। इसके बाद खाना कहाँ जाता है, कैजियम में जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, उस खाने को पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं, इस टाइप से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये तीन चार स्टेप्स होते हैं बेटा, ठीक है। अब आता है इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है कि जो अमीबा होता है बेटा, ठीक है, अमीबा खाने को कैसे अंदर लेता है, अपने बॉडी के अंदर इंजेक्शन कैसे करता है, उसको आपको डायग्राम में से समझाना है, डायग्राम ड्रॉ करके समझाना है, उसको एक्सप्लेन भी करना, दोनों काम करने हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन इंजेक्शन ऑफ फूड इन अमीबा थ्रू ए डायग्राम, ठीक है। इंजेक्शन क्या होता है, खाने को अपनी बॉडी के अंदर लेना, माउथ के अंदर लेना, उसको फिर फूड पाइप से होते हैं स्टोमक में लेके जाना, उस प्रोसेस को आप इंजेक्शन बोलते हो, ठीक है। वो अमीबा में कैसा होता है वो आपसे पूछा हुआ है डायग्राम की हेल्प से।
ठीक है। तो क्या होता है बेटा, अमीबा के पास क्या होते हैं, नकली पैर, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो अमीबा जब भी खाने को देखेगा ना, देखो यहाँ से समझते हैं डायग्राम से, ये क्या है आपका अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये फूड पड़ा है, कोई भी फूड पार्टिकल पड़ा है। जैसे इसको पता लगा कि यहाँ पे कोई फूड है, ये क्या करेगा अपने स्यूडोपोडियस को आगे की तरफ बढ़ाएगा, उसके खाने की चारों ओर कर लेगा, ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं आपके, नकली पैर, देखो ये पहले ऐसे थे, ठीक है। जैसे जैसे वो खाना देखा, इसने क्या किया, इन इस चीज़ को लंबा कर लिया यहाँ, इस देखो इस सेकंड में लंबा कर लिया ना, ये क्या होते हैं स्यूडोपोडिया होते हैं, इसके चारों ओर कर लिया इसने फूड आर्टिकल्स के, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, धीरे धीरे इस फूड को ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग जो होती है सेल की, वो क्या होती है टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है वो खाने के चारों ओर वो फैल जाती है, ठीक है, खाना उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उस खाने को वो अंदर लेके आते हैं, अंदर क्या होता है उनके अंदर वैक्यूल होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है बेटा वैक्यूल, एम्प्टी स्पेस बोलते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा वाटर या एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो वो खाने को उसमें वैक्यूल में ले जाते हैं, ठीक है। वैक्यूल में और क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, इस खाने के ऊपर एक्ट करते हैं और उस खाने को तोड़ते हैं, ताकि उससे क्या हो, डाइजेशन हो जाए, ठीक है। डाइजेशन हो गया, ठीक है, उससे क्या हो गया, उसको एनर्जी मिलेगी, उसने अपने खाना खा लिया, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाती, जो उसके लिए क्या है, अनवांटेड है, ठीक है। तो वैक्यूल क्या करेगा, उन अनवांटेड चीज़ों को अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, ठीक है। इसमें तो वो कैसे होगा, देखो ये रहा अनडाइजेस्ट, यहाँ पे डाइजेशन हो गया, ये क्या बच गया, अनडाइजेस्ट फूड बच गया। अब क्या करेगा, धीरे धीरे अपने स्यूडोपोडियास को फिर क्या करेगा, उनकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा, ठीक है। ब्रेक, यहाँ पे देखो ब्रेकेज हो रहा ना सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो यहाँ पे वापस खाना क्या हो गया बेटा, इसने खाने को बाहर निकाल दिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। ये क्या आपकी लास्ट स्टेप, क्या बोलते हैं इसको, इजेशन, ठीक है। इंजेशन खाने के अंदर लेना, इजेशन क्या होता है, बॉडी को खाने से बॉडी को सॉरी खाने को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो देख लेते हैं लिखना कैसे है इसको। When amoeba come in contact with food, it produces pseudopodia false feet around the food. Then the cell membrane of pseudopodia fuse and food gets trapped in food vacuole. Digested juice present in the vacuole digests the food. The undigested food from the vacuole is expelled by ejection process. ठीक है, ये देख लो आप सारा इसको एक बार, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका चैप्टर पूरा हो गया, इसका ए बी सी डी पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दे दिया था, ठीक है, प्रोवाइड करवा दिया था। अब ये क्या था, इसका ई पार्ट था, ठीक है बेटा। चैप्टर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया है। किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना एक बार कि ये डाउट है सर, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे उस टॉपिक को अलग से, ठीक है। बाय।